हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कोलियस की कटिंग लगाने के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, कोलियस की कटिंग बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस समय आप कोलियस का कटिंग लगाने का सही टाइम है। फ्रेंड्स, इस समय आप लगाएंगे तो मार्च के एंडिंग तक प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस समय फ्लावरिंग प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम देखिए मेरा पिटोनिया, ये डेंथस वगैरह। फ्रेंड्स, हमें कोलियस की कटिंग लगाने के लिए इस कोलियस के प्लांट से आप कोई भी छोटी सी कटिंग लेकर आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए कोलियस की प्लांट को हम फ्रेंड्स मैंने इस प्लांट को जनवरी में ही इसकी कटिंग लगा दी थी। फ्रेंड्स, हम इस प्लांट से एक कटिंग लेंगे और इस कटिंग को फ्रेंड्स यहां से आप तोड़ लें या किसी कटर से आप काट सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस कटिंग को लेने के बाद इसकी सारी पत्तियां तोड़ देंगे, ऊपर के कम से कम 2 या 3 पत्तियां छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, हम पत्तियां तोड़ लेंगे और फ्रेंड्स आप कोई सा भी मिक्सर मिट्टी बनाकर आप पॉट्स में इसकी कटिंग आसानी से ऐसे ही लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैंने इस कटिंग को भी इसी में लगाऊंगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा कोलियस का प्लांट किस दूसरे रंग का प्लांट है। फ्रेंड्स, इसकी पत्तियां तोड़ के हम इसे भी ऐसे ही लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप कोलियस के प्लांट को अच्छी तरीके से फ्रेंड्स आपको इस कटिंग को लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप इसे कोई रूटिंग पाउडर या कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी ये कटिंग आसानी से चल जाएगा। फ्रेंड्स, आप बस इसे लगाकर ऐसे टाइम टू टाइम पानी और इसे फ्रेंड्स शेडेड एरिया में रखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रो करेगा और अच्छी तरीके से इसमें रूट आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इस प्लांट से भी एक कटिंग ऐसे तोड़ लूँगा और इसकी पत्तियां हटा के मैं फ्रेंड्स उसी तरीके से इसे भी गमले में लगा दूंगा। फ्रेंड्स, आप इसे अब हम प्लांट को भूसी बनाने के बारे में बात करें। फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर की टिप ऐसे ही पिंच कर दीजिए, इससे फ्रेंड्स प्लांट काफ़ी अच्छा भूसी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ये भूसी हो जाएगा प्लांट। फ्रेंड्स, आप इसमें फर्टिलाइज़र डालें या ना डालें ये तब भी अच्छी तरीके से ही ग्रो करता है। फ्रेंड्स, आप इसे केवल शेडेड एरिया में रख दीजिएगा। अब जब जून जुलाई का टाइम आएगा तो फ्रेंड्स आप इसे फुल सन में रख सकते हैं, क्योंकि उस समय फ्रेंड्स इसकी ग्रोइंग सीजन रहता है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से फ्रेंड्स ये ग्रो करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा।